श्री राधे राधे सेवा संस्था राजेश यादव, मानव सेवा के लिए जितना भी जो भी मीरा भाईंदर में गरीब लोग को हमारी संस्था जितना भी सेवा दे सके, अन्न दान हुआ जितना भी हुआ सिस्टम से करते हैं। और हमारी संस्था मीरा भाईंदर में है, यूपी में भी है, पूरा महाराष्ट्र में भी संस्था काम करती है। लेकिन संस्था का वर्क है मानव सेवा करना, सेवा करने का काम है हमारी संस्था का। और हमारे संस्था के राष्ट्रीय सलाहकार BSP मौर्या हैं और हमारे अध्यक्ष मीरा भाईंदर के हैं गौरव सिंह, हमारे युवा सचिव हैं अनिकेत सिंह और हमारे सचिव हैं अध्यक्ष हैं युवा अध्यक्ष गोपाल शुक्ला जी, कार्याध्यक्ष हमारे हैं कमलेश शुक्ला जी और हमारे करण सिंह जो हैं एकदम कर्मठ कार्यकर्ता हैं संस्था के, हमेशा जुझारू हैं, हमेशा कार्य में लगे रहते हैं। और हमारी संस्था का काम ही है सेवा करना, मानव सेवा करना, जो असहाय लोगों के लिए जितना हो सके हमारी संस्था पूरा सहयोग करेगी। ये आप कितने गरीब लोगों को डेली बांटते हैं आप ये? नहीं, गरीब लोगों को हम लोग जितना होता है ना उतना घर तक पहुंचा रहे हैं। जैसे हम लोग को मालूम पड़ा हमारे रामदेव पार्क एरिया में 5-6 परिवार ऐसा है कि हम लोग उसको कल देने वाले हैं, आज इधर मालूम पड़ा था तो आज हम लोग लेके आए। 2-3 दिन पहले भी हमने सेवा किया था, पूरी भाजी ला के सबको 50 लोगों को करवाया था संस्था की तरफ से। ओके, संस्था आपका क्या क्या और काम करता है इसके अलावा? हमारी संस्था सेवा संस्था है, संस्था हमारी पूरा मीरा भाईंदर में जो भी सहयोग किसी को चाहिए, असहाय लोगों को अगर हमारे पास आता है तो हम उसको सहयोग करते हैं। मेडिकल की सुविधा है हमारी संस्था की तरफ से, 2-4 ऐसे मेडिकल है मीरा भाईंदर में कि उसमें हमारी संस्था का नाम बोलेगा श्री राधे राधे सेवा संस्था तो 10% ISI डिस्काउंट होके आता है बस नाम बोलने पे। ओके, ये संस्था कहाँ, मीरा भाईंदर के अलावा भी कहीं पे काम करता है? संस्था पूरा महाराष्ट्र में है, यूपी में भी हमारे 2-4 ऐसे जैसे मऊ जिला है, शाहगंज जिला है, गोरखपुर जिला है, उसमें अपने अध्यक्ष शाखाएं हैं। तो क्या ये गवर्नमेंट के थ्रू काम करता है? नहीं, हमारी संस्था गवर्नमेंट के थ्रू काम नहीं करता है, संस्था गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है लेकिन थ्रू काम नहीं करता, हम लोग खुद मानव सेवा करते हैं, संस्था के लोग मिलके करते हैं। गरीबों के लिए हरदम आगे आती है हमारी संस्था, जब भी उनको कुछ भी जरूरत पड़ती है तो हम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं। ये अभी जो कोरोना चल रहा है महामारी, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? उसके बारे में मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि अपने घर में रहें और घर के साथ साथ रहने के साथ एक इंटरेस्ट अरे जो अपना दूरियां है वो दूरियां बना के रखें, मास्क पहन के रहें, सावधानी बरतें, जितना जरूरत पड़े तो ही घर से बाहर निकले, नहीं तो अन्यथा निकले नहीं। जितना आप सेफ रहेंगे उतना सेफ बचेंगे।